काशीपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर सभी सन रह जाएंगे। मामला भी ऐसा कि एक चप्पल के मामूली झगड़े ने विवाहित महिला की जान ले ली। एक सिरफिरे पति ने ननंद भाभी के बीच चप्पल की लड़ाई को लेकर अपनी पत्नी की चाकू से हत्या कर दी। काशीपुर पुलिस ने मामले में आरोपी पति शहनवाज को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष भेज दिया है। बता दें कि काशीपुर के मोहल्ला काली बस्ती की रहने वाली मुस्कान का विवाह 3 साल पूर्व पड़ोस के ही रहने वाले शहनवाज के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही दोनों में मामूली विवाद रहता था। कल भी ननंद और पति के साथ मुस्कान का कुछ विवाद हो गया था। विवाद के बाद पत्नी पास ही में अपने मायके चली गई थी। पति को समझाने के लिए मुस्कान के परिजन उसकी ससुराल पहुंचे थे, जिसके बाद पति गुस्से में अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया था। चाकू लगने से मुस्कान गंभीर रूप से घायल हो गई थी। आनंद फानंद में परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया था। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी तो हड़कंप मच गया था। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए देर रात शहनवाज को मुरादाबाद रोड स्थित डिजाइन सेंटर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शहनवाज की बहन ने उसकी पत्नी मुस्कान की चप्पल पहन ली थी, जिसके बाद मुस्कान ने चप्पल तोड़ दी थी और जिसके बाद विवाद शुरू हुआ था और मुस्कान की मौत की वजह बन गया। गुस्से में मार दिया। किस वजह से मारा? बस बात कुछ नहीं थी, खाली बस घर वालों की वो हो कर दी, इसकी घर वालों की कभी भी लड़ाई हो कर दी, इसके घर वाले ले जाकर देखे थे, इस वजह से वो गुस्से में मैंने मार दिया, अनजाने मारा। आज के बाद कभी कैसा कुछ नहीं होगा। झगड़ा किस वजह से हुआ? झगड़ा हमारी दीदी की वजह से हुआ था। क्या था? दीदी ने मेरी चप्पल पहननी थी तो हमारी घरवाली ने चप्पल तोड़ दी। अब चप्पल तोड़ी, मैंने उससे ये बोला, मैंने कहा तुमने चप्पल क्यों तोड़ दी? बोली कि तुम्हारी ही चप्पल हो। बोली कि मेरे घर वालों की। मैंने कहा मैंने तय किया, मैंने उससे कहा तू सामान लेके जा। मैंने कहा सामान भी लेके जाए यहाँ से। चल ठीक। देखिए, करीब रात 8:45 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला का शव जो है वो हॉस्पिटल में आया, जिसे चाकू से मारा गया है। पूछताछ करने पर पता चला कि महिला जो है नई बस्ती की रहने वाली है। मौके पे टीम भेजी गई तो वहाँ पर पता चला कि इसके पति द्वारा इसे मारा गया है। संबंधित पति को ढूंढने की प्रयास किया गया, टीम बनाई गई और रात को ही पति को गिरफ्तार किया गया। आज कोर्ट में उसे पेश करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।